अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कैलकुलेटर्स के बारे में। कैलकुलेटर्स आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम मोबाइल में इसको बहुत देर से यूज़ करते आ रहे हैं और हम इसे दिन में अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसे कैलकुलेटर्स बताऊँगा जो कि बहुत बेहतरीन हैं, ईजी टू यूज़ हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पहले जो नंबर वन कैलकुलेटर है उसके बारे में बताता हूँ। प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सबसे पहला जो है कैलकुलेटर वो है कैलकुलेटर प्लस फ्री। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर है, बहुत आसान है, जल्दी से ओपन हो जाता है, कोई लैग नहीं है इसमें और सिंपल सी कैलकुलेशंस के लिए बेहतरीन है। कोई भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो वो इधर हिस्ट्री में रहेगी, मतलब अगर आप इसे ऑफ भी कर देंगे तो ओपन करेंगे तो ये हिस्ट्री में पड़ी होगी। उसके बाद इसका आप जो है वो थीम चेंज कर सकते हैं, डार्क थीम कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर है, बहुत अच्छा कैलकुलेटर है। मैं तो इसे काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी रिकमेंड करूँगा। दूसरी एप्लीकेशन जो दूसरा कैलकुलेटर है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा है वो है हाइपर कैलकुलेटर, हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो के अभी इंटर या मैट्रिक में है और उन स्टूडेंट्स को काफ़ी ये हेल्प करेगा क्योंकि इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं और उनको मार्केट से बाय नहीं करना पड़ेगा कैलकुलेटर न्यू। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, सारे फंक्शंस इसमें हैं जो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में होते हैं जो कि हम मार्केट से परचेज़ करते हैं। बल्कि इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि हमने अंडर रूट लेना है 36 का, तो ये एक अंडर रूट की टैब है, मैं इसको क्लिक करूँगा, बटन जो था अंडर रूट का 36 का जो है अंडर रूट 6 है। तो उसके बाद मेन्यू में इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे इसके मोड हम चेंज कर सकते हैं कि वन लाइन डिस्प्ले कर सकते हैं, टू लाइन डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं हम, पॉकेट साइज़ भी कर सकते हैं, पॉकेट साइज़ में ज़रा छोटा हो जाएगा। उसके बाद हम जो है इसका दोबारा से वही कर देते हैं, हम इसका जो है वो थीम भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त थीम्स हैं इसमें, जैसे ये है स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी सारे थीम्स आ जाएंगे, मैं ये लगा देता हूँ। तो ये देखिए इसका थीम भी चेंज हो गया। इसके बाद सेटिंग्स में जाके इसकी आप सेटिंग्स भी देख सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, क्लियर ऑन स्टार्टअप, मतलब कि जो आपकी हिस्ट्री है वो भी ये डिलीट कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है ये, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उम्दा कैलकुलेटर है, स्टूडेंट तो लाजमी इसे इंस्टॉल करें। तीसरा जो कैलकुलेटर है वो है एज कैलकुलेटर। वैसे तो हम आम सी कैलकुलेशंस में कैलकुलेट कर लेते हैं कोई भी चीज़ हो, लेकिन एज जो है वो अगर हम कैलकुलेट करने बैठें तो हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये गूगल प्ले स्टोर में आप ये देख सकते हैं, मैंने सर्च की है तो एज कैलकुलेटर के नाम से, तो ये पहला ही ओपन हो गया, बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है, 1 मिलियन के करीब इसकी डाउनलोड्स हैं। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ, काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है, बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं किसी की भी एज को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे सबसे पहले इसमें लिखी होती है टुडेज डेट जो कि है 7/1/2018, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने नीचे पुट करनी है, डे में मेरी जो एज है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं लगा रहा हूँ 2 फरवरी 1999। तो मैं कैलकुलेट ये जो है इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरी इसने एज कैलकुलेट करके मुझे बता दी है 18 साल 11 महीने 5 दिन। मुझे मेरी नेक्स्ट बर्थडे का भी बता रहा है कि कब आने वाली है जो कि है 26 दिन बाद, बिल्कुल सही बता रहा है। एक्स्ट्राज में ये आपको टोटल ईयर बताता है, टोटल मंथ बताता है, वीक डेज आवर मिनट सेकेंड्स तक आपको ये बता देता है। उसके बाद जो है आपकी बर्थडेज कब आने वाली हैं, अपकमिंग बर्थडे की जो डेट है और टाइम जो है डेट और डे बता देता है। तो ये काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है, रिकमेंड करूँगा आप कि आप इसे भी चेकआउट ज़रूर करें, गूगल प्ले स्टोर से अवेलेबल है। एक और कैलकुलेटर है जो एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर है जो कि है गूगल की तरफ से, काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर है, आप इसे भी इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। ये सिंपल है, बहुत अच्छा है, ईजी टू यूज़ है, जैसे कैलकुलेटर प्लस फ्री था वैसा ही है ये, लेकिन ये ज़रा एडवांस्ड है, लेकिन वो बेहतरीन है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।